लगातार मछलियों के मरने का सिलसिला जारी, मछलियों को बचाने में लगे भक्त। नमस्कार, मैं अनिशक्तर, आप देख रहे हैं अनिशक्तर ऑफिशियल। गोपी और हनुमानगढ़ी मंदिर तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन रविवार को भी भारी तादाद में मछलियां मर गई। रोजाना मर रही मछलियों के कारण श्रद्धालुओं में आक्रोश बढ़ रहा। हनुमानगढ़ी तालाब में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक ही जगह पर पानी का जमा होने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसी वजह से लगातार मछलियां मर रही हैं। पिछले दो दिनों में शनिवार रविवार को भारी तादाद में मछलियां मर रही। जब श्रद्धालु सुबह मंदिर पर पूजा अर्चना करने पहुंचे तो उन्हें तालाब के ऊपर मरी हुई मछलियां उतराती हुई मिली। इसको देखकर श्रद्धालुओं ने नगर पालिका को सूचना दी। मौके पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने मछलियों को पानी से बाहर निकलवाया, उसके बाद वही गड्ढे में पकवाकर दफन कराया। तत्पश्चात तालाब में सफाई के साथ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया। मंदिर की देखभाल कर रहे विजय साहू दूसरे दिन अपने सहयोगियों से तालाब पर पहुंचकर 100 लीटर सरसों का तेल तालाब में डालकर मछलियों को बचाने के प्रयास में लगे रहे। पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की इससे भी जल निकासी की व्यवस्था की जाए, तालाब में लगे फव्वारा को चालू कराया जाए। साथ ही तालाब में पूर्व में 3 इंच के पाइप से आ रहे पानी को बंद कराकर 1 इंच की पाइप से पानी डाला जा रहा है, जिसे 3 इंच की पाइप से दोबारा पानी डाले जाए। समिति से कवि मोदनवाल, गोविंद गुप्त, हरिगोपाल, संतोष मथल्लू, भुवान शर्मा, प्रदीप सिंह जुमिंका, मनोज लखन स्वामी, हीरानंद के साथ काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अनिशक्तर, आप देख रहे हैं अनिशक्तर ऑफिशियल।